वो पूरा हल्ला मच गया है यूरोप को देख व्हाई आर देयर इकोनॉमी इन डोल काम नहीं करना चाहता आप देखो इसी में जाओ सब लोग बाहर बैठे होते हैं छोटी-छोटी टेबल -छोटी पे कॉफी पी रहे होते हैं yeah. डेढ़ बजे से चार बजे तक कुछ hmm. काम नहीं करते सर्टेन फैक्ट्रीज क्लोज ड्यूरिंग आवर लेट दिस डायरेक्टर्स वर्क अपोडेड वी the bets that you know the tatas and the vedantas and the andanis and the ambanis are taking on semiconductor and electronics कुछ कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं तो अभी तो उ, उसी लेवल पे रह जाएगी या ये नीचे आएगी मतलब छोटे मैन्युफैक्चरर्स एंटरप्रेन्योर्स भी इसका फायदा उठा पाएंगे इस इकोसिस्टम का हां हां डेफिनेटली बिकॉज़ देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी दैट विल कम अप ओके बिकॉज़ वन ऑफ द एरियाज दैट आई एम वेरी क्लियर अबाउट इज दैट इंडिया शुड नॉट बी जस्ट अ मैनुफेक्चरिंग कंट्री करेक्ट इंडिया शुड प्रोडक्ट कंट्री वैल्यू है ये आई थिंक लोग कई बार कंफ्यूज होते हैं कि भाई आप मैनुफेक्चरिंग कंपनी है तो आपके दिमाग में क्या फर्क है चीज सेम मैन्युफैक्चरिंग Ma में आ, तो आप कंपोनेंट्स बना रहे हैं आप मैन्युफैक्चरिंग में तो आप सिर्फ असेंबल कर रहे हैं कर रहे है. कुछ और नहीं कर रहे हम लोग करेक्ट मेनली इट्स असेंबली

देखिए व्हेन वी स्टार्टेड एचसीएल इंडिया में सिर्फ 100 कंप्यूटर थे पूरे हिंदुस्तान पूरे हिंदुस्तान में 100 like कंप्यूटर 100 कंप्यूटर लाइक काउंटेड 100 कंप्यूटर काउंटेड 100 वाओ तो हमने कहा भैया जरा यहाँ की तो पॉपुलेशन तो उस टाइम 700 मिलियन होगी करीब हां तो, है, 600 हाँ, हाँ, या, तो या। अगर 100 हैं और पॉपुलेशन इतनी बड़ी है तो मार्केट तो है सो इट मेक्स सेंस तो मतलब एक सोची समझी स्ट्रेटजी मार्केट एनालिसिस और उससे पहले आप लोग काम कर रहे थे सब लोग साथ तो में हम तो सारे के सारे डीसीएम में काम करते थे ना तो हमने ये सारी बिजनेस शुरू की हुई थी uh. वहां काफी थिंकिंग हमने करी हुई थी ओके okay. तो उस थिंकिंग को लेके हमने शुरू किया कि भाई वहां तो हमें कुछ विवरक स्मॉल फ्राई विद इन द बिग डीसीएम कंपनी करेक्ट हम लोग तो थर्ड डेसिमल प्लेस में भी नहीं थे <laughs> तो मतलब किसी ने आपको आके बोला कि भाई ये करना चाहिए या एक कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ किसी कस्टमर से इंट्रैक्शन हुई कहीं मार्केट नहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं हुआ क्यों वो इसलिए हुआ कि जब आ, हमने आ, इसके ऊपर काम करना शुरू किया तो उसका एक रीज़न था वो रीजन ये था कि हम लोग जब डीसीएम में काम कर रहे थे सब लोग तो हम लोग बहुत सारी चीजें करना चाहते थे okay. ओके

अच्छा तो देन आई वेंट होम टू जबलपुर एंड आई टोल्ड माय मदर एंड फादर के भाई मैंने तो ये कर दिया तो वो लोग तो बोले अरे बाबा क्या करते हो तुम वाई डिड यू डू दिस ये वो ये वो देन माई ब्रदर सपोर्टेड मी मीसा नहीं इसको करने दो तो फिर मेरे पेरेंट्स बोले कि ठीक है अब तुमने सोच लिया है तुमने तो ऑलरेडी रिजाइन कर दिया हम क्या बोल सकते अब तो गाड़ी निकल गई निकल गई So, उसी चक्कर में हमने शुरू शुरू कर दिया And, uh, then I said के, मैंने अपनी मदर को फादर को फादर बोला मेरे पास तो 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 ही नहीं है करने के hmm. आप कुछ दे सकते हो तो बड़ा अच्छा होगा hmm. तो, की सैलरी पे काम करते थे हम DCM में hmm. तो, तो उसमें तो बचने का सवाल ही नहीं पैदा था ना तो आपकी शादी हो गई थी नहीं सो फिर मैंने अपनी मदर को बोला फादर को बोला तो फिर सेकेंड डे बाय मदर सेट के ठीक है हमने एक प्रॉपर्टी बेची थी हाँ। उसमें से कुछ पैसे मिले थे हाँ। तो वो मैंने संभाल के रखे हुए हैं अच्छा तो वो ग्यारह हजार रुपए थे बहुत बड़ी रकम बहुत बड़ी रकम थी हमने कहा दे दो कहते तुम ले जाओ अच्छा उससे हमने बिजनेस शुरू किया वाओ एक्चुअली बिटवीन द सिक्स ऑफ अस वी पुट टूगेदर वन पॉइंट एट लैक्स

हम हम लोगों को पता करना पड़ा लाइसेंस कैसे लिया जाए hmm. तो हम तो छोटी सी कंपनी थे हम जब गवर्नमेंट के पास गए तो उन्होंने भगा दिया yeah. कहना आपको तो हम लाइसेंस नहीं दे सकते यू यू डोंट हैव द नो टू स्मॉल ओके सो देन वी स्टार्टेड अ लिटिल मार्केटिंग कंपनी हमने खोला कि थोड़ा कैश फ्लो क्रिएट करते हैं सो वी वेंट एंड बॉट कैलकुलेटर्स फ्रॉम टू थ्री सोर्सेज एंड वन मेजर सोर्स वॉज टेलीविस्टा पिकअप टेलेविस्टा वी स्टार्टेड मार्केटिंग एट वी क्रिएटेड छोटा छोटा ऑफिस इन फाइव सिक्स सिटीज मतलब आप डिस्ट्रीब्यूटर बन गए कैलकुलेटर्स के टू अर्न कैश फ्लो एंड अ कंपनी प्रोफाइल राइट और फिर हमने अपने अपना एक ब्रांड क्रिएट किया hmm. छह महीने बाद और उस ब्रांड को क्रिएट करने में हमने एक मैन्युफैक्चरर से कैलकुलेटर्स खरीद लिए okay. और अपने ब्रांड पे बेचने लगे ओके सो उस तरह से हमारी कैश फ्लो से कहानी शुरू हुई और जब वेन वी वर यू नो कमिंग टू अचुएशन अबाउट सिक्स एट मंथ इन टू दिस तो हमने सोचा आप तो लाइसेंस तो किसी तरह करना ही चाहिए ना बिकॉज hmm. दैट हमारा ड्रीम ही नहीं ट्रू होगा करेक्ट uh, <coughs> उन hmm. hmm. तो हमारा ड्रीम ये था कि माइक्रोप्रोसेसर लेके कंप्यूटर बनाना है. ये ड्रीम था ये हमारा ड्रीम था सो so, uh, हम लोगों को लाइसेंस के लिए क्या किया जाए तो हम लोग घूम रहे थे उधर बातें कर रहे थे लोगों ने बोला ऐसा है कि बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को लाइसेंस दिए गए हैं अच्छा और उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज हैं हैं उनके पास लाइसेंस पड़े हुए आ, करो तो हमको यूपी में हम लोग पहुंच गए और उनसे बात करी कि भाई आप तो, तो ये, तो ये में आप कहा थे किस जगह पे थेडक्टर तो दिल्ली में हम लोग तो सारी कंट्री में लोकेटेड थे ना एक कहीं अच्छा छह लोग कहीं ना कहीं तो कॉमन थ्रेड क्या था सेम कॉलेज

और बाकी हमारा था गवर्नमेंट हाँ। और उसमें एक फायदा हमको ये हुआ बहुत बड़ा फायदा हुआ वो ये हम अपनी कंपनी का नाम जो है हाँ। वो बड़ा रखना चाहते थे वी वॉन्टेड टू लुक लार्जर देन लाइफ सो अगर हम उन दिनों तो हमारे कंपनी का नाम था माइक्रोकॉम माइक्रो माइक्रोकॉम तो बहुत लोगों को प्रोनाउंस ही नहीं करते बनता हाँ� उस ज़माने में ज़माने क्योंकि हमने उसका शॉर्ट फॉर्म लिया था माइक्रो कंप्यूटर का, हाँ। तो का नाम हिंदुस्तान से शुरू करना चाहेंगे क्योंकि अच्छा। भाई इंडिया की कंप्यूटर कंपनी है हिंदुस्तान जरूर होना चाहिए उसमें करेक्ट सो so, उन दिनों हिंदुस्तान नाम मिलता नहीं था छोटी कंपनी गवर्नमेंट वो हमको मिल गया और जब हमने उसका नाम शुरू किया तो हमने कहा वी विल कॉल इट हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड राइट देट्स वॉट बीकेम सी एल एंड हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड के नाम से हमको बहुत फायदा हुआ वो नाम से फायदा हुआ बहुत फायदा हुआ हुँ. क्योंकि जब हम कार्ड देते थे किसी को भी किसी कस्टमर से मिलने जाए और उसमें हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिखा है और ब्रैकेट में लिखा है ज्वाइंट सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ यूपी गवर्नमेंट तो हमें एंट्री बड़ी इजिली मिल जाती थी करेक्ट और पब्लिक सेक्टर में तो और ही जल्दी मिल जाती थी तो ये एक सोची समझी प्रोसेस थी या ये एक डिस्कवरी थी कि भी... नहीं नहीं ये सोच के हम लोग ने किया था कि भाई कि भाई इनका फायदा मिलेगा मिलेगा हिंदुस्तान नाम हम लोग ने दिमाग में लगाया था कि भाई एक तो हम इंडियन कंपनी बना रहे हैं और दूसरा हिंदुस्तान नाम होगा तो हमें बहुत फायदा होगा और वो it proved to be correct because as we started going to meet customers

ये आज का ही नहीं मैंने काफी अगर मैं अपने फादर की बात करूं जर्नी की बात करूँ तो उनको भी जहाँ वो काम कर रहे थे उनको लगा कि चलो मुझे शाम को वक्त है तो मैं अपना एक शुरू अपना काम तो आप छह लोगों में सबने एकदम ही छोड़ दिया तो देर वॉज नो कैश फ्लो आउटसाइड ऑफ द मनी दैट यू हैड करेक्ट तो कहीं डरने लगा जैसे आज लोग जो है वो डरते हैं इसी वजह से कि भाई अगर नहीं चला तो क्या होगा

तो जॉब में काम करते करते कई बार लोगों को एक कंफर्ट आ जाता है mm. और एक ऑन्टरप्रनोरियल माइंडसेट जो है वो तो एक जगदोजहद का माइंडसेट है बिल्कुल, 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 बिल्कुल तो उस पूरे माइंडसेट से कैसे ड्रिफ्ट आप लोगों ने किया mm. और आपको क्या लगता है कि आजकल जो आप आई एम श्योर यू नो यू आर ऑल्सो वेरी सक्सेसफुल इन्वेस्टर तो आप देखते हैं आज ऑन्टोरियल जो इको है तो उसमें लोग काफी आ, इस चीज में फंस जाते हैं कि वो करना तो अपना काम चाहते हैं लेकिन तरीके उनके जॉब वाले ही हैं hmm. तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा और आज जो आप देख रहे हैं तो हाउ हैज़ दिस होल इकोसिस्टम इवॉल्व इन अराउंड ऑनर कल्चर एंड माइंड सेट देखिये ऐसा है कि इनिशियली तो देर इज इशू इन योर माइंड कि भाई hmm. uh, मैं जॉब छोड़ रहा हूँ मैं क्या करूँगा एटसेट्रा एटसेट्रा बट यू नो दैट इज अ अम्प

जो लोग ऊपर से लटके लटके होते हैं, होते हैं उसके नीचे एक जाल पड़ा होता है करेक्ट अच्छा वो जाल है तो वो करते Correct. रहते हैं आ. और जब जाल निकाल दोगे तो वो घबरा जाएंगे कैसे आ. करने का आ. तो इसकी मैंने एक स्टोरी सुनी थी आ. वो एक सॉफ्टवेयर की स्टोरी कंपनी की स्टोरी थी इंटुट करके बिल्कुल उन्होंने बोला कि वी विल रिमूव आ, दिस नेट सेफ्टी नेट हम रिमूव कर देंगे आप प्रोडक्ट ऐसा बनाओ कि कभी फेल ही ना हो बस अगर प्रोडक्ट ऐसा बनाओगे तो चलेगा बहुत बढ़िया करेक्ट तो उन्होंने एक होम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनाया उन्होंने बोला लेडीज को अगर आप बोलोगे कि मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन करो सॉफ्टवेयर के लिए वो नहीं कभी नहीं पे करेंगे कभी नहीं करेंगे तो आप ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो फेल ना हो रिमूव द सेफ्टी नेट सो विच इज दू डू फगेट अबाउट द सेफ्टी नेट गेट गोइंग टेक द रिस्क टेक द लेकिन मैं कई बार देखता हूँ कई बार आज जो लोग हैं वो अपने प्रोडक्ट पे कम समय लगाते हैं मार्केटिंग और सेल्स में बहुत घुस गए हैं कि मतलब एक छोटा सा प्रोडक्ट बनाया उसकी थोड़ी सी वैलिडेशन हुई और एक स्पीड पे उसको बस ग्रो करने पे लग जाते हैं कि जल्द से जल्द आगे पहुंच जाएं और हजारों लाखों लोगों तक तो पहुंचा दें इससे पहले कि कोई और घुस जाए लेकिन अगर हम पिछले बिजनेसेस देखें वहां पे एक स्टडी अप्रोच थी तो वो अप्रोच रिडेंडेंट हो गई है या ये इस जमाने के हिसाब से या ये लोग कुछ गलत कर रहे हैं देखिए भाई आजकल इस तरह की चीजें ज्यादा हो रही हैं बिकॉज दिस टू मच मनी अवेलेबल टू मच मनी अवेलेबल तो क्या होता है कि पैसा है तो मार्केटिंग हो रही हाँ। है हाँ खर्चा करो हाँ और उसमें बहुत लोग मर गए क्योंकि क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे वीसीज इतना पैसा दे दिए लोगों को इन द लास्ट फाइव सेवन वर ड्राउनिंग इन मनी एंड दे नो टू यूज़ द मनी दे वर नॉट केपेबल दे वर नॉट केपेबल यू आर प्रोबली केपेबल यू नो एंड रियली वेयर इट्स हार्म स्टार्टअप कल्चर There's hmm. too much money. Hmm. So I think restricted amount of money that is available with clear benchmarks, clear tranches that are given to people based on performance. Hmm. I think that's a much better uh, model. तो क्या ये एक हमारे एजुकेशन सिस्टम की कमी है कि मनी मैनेजमेंट, फाइनेंशियल्स Uh, को लोग लुक कर जाते हैं hmm. को बहुत से? है हमारे hmm. start -up कल्चर में hmm. लोगों को कंप्लायसेस के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है Correct. और मैं बहुत सारे आई और इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में आक्यूबेशन सेंटर्स uh. इतनी बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट बनाते हैं करेक्ट पर उनको बिजनेस के बारे में नहीं आता कुछ वो एक बहुत बड़ी वीकनेस है करेक्ट सो so, टर्स के अंदर दोनों तरह के लोग होने चाहिए जो उनको मेंटर करें एक टेक्निकल मेंटर होना चाहिए और एक बिजनेस मेंटर होना चाहिए और बिजनेस सारे एस्पेक्ट को देखे भी हाँ, आपका फाइनेंशियल लीगल मतलब मैं कई बार देखता तो, से बात करता हूँ तो, उनको लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ने आते कुछ नहीं पता और ऐसे साइन कर जाते हैं फिर बाद में परेशान हाँ, होते हैं तो ये एक बहुत वीकनेस है और तीसरी चीज ये है कि हमारे यहाँ लोग ऑन्ट्रप्रनरशिप पढ़ते नहीं है पढ़ते नहीं है हमारे यहाँ कितने इंस्टीट्यूट हैं जो आंतरप्रनशिप पढ़ाते हैं जी वेरी फ्यू एंड कॉलेज लाइक इज़ इन अमेरिका उस तरह का कोई इंस्टीट्यूट है नहीं इन द लास्ट फोर फाइव ईयर सम ऑफ द यूनिवर्सिटीज है प्रोग्राम शुरू किए हैं बट वो एक यूनिवर्सिटी के अंदर है इट शुड भी आउटसाइड द यूनिवर्सिटी

सो so, हमने उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग मॉडल बनाया था उसको हम लोग फ्रैक्टल्स बोलते थे okay. और उसमें हमने करीब तीस तरह तीस सब्जेक्ट्स ऐसे बनवाए बनवाए थे जिससे सब लोगों को उस तीस में से चार या पांच सब्जेक्ट जरूर चूज करने पड़ते थे अच्छा. और उसके लिए एक क्रेडिट या दो क्रेडिट मिलते थे ज्यादा नहीं मिलता था yeah. बट उससे क्या हुआ कि उनकी जो नॉलेज थी वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स में आई नॉट जस्ट इंजीनियरिंग बट दे लर्निटीजी क्या होता है एस्ट्रोनोमी hmm. क्या होता है आर्ट hmm. क्या होता है, क्या होता है hmm. वो सारे हमने उसमें एड किए और एक पैरल हमनेस बनाया जिसमें वी स्टार्टेड अ माइनर एन आंट्रप्रोनरशिप इन दी आई आई टी फर्स्ट आई आई टी एंड लास्ट आई आई टी टू स्टार्ट माइनर सो वॉट वी डेट दो वी स्टार्टेड टेलिंग स्टूडेंट कि भाई आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो वीकेंड में आप ऑंटरप्रिन बनो तो हम लोग जितने लोग आई स्टार्ट टीचिंग बिकॉज I used to get them to understand why entrepreneurship is important hmm. that was my agenda

जब आप इस माइंड सेट से वहाँ गए और आपने इस माइंड सेट को कैरी किया जो आपने सीखा अपनी अगली जर्नी में तो उसमें एक कल्चर वर्ड आता है जो लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं मतलब कई लोग उसको यूनिफॉर्म से अटैच करते हैं हाँ कई लोग उसको समय पे आने देख, 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 आ, से अटैच हाँ। करते हैं कई लोग उसको यू नो वाइब्रेंसी से अटैच करते हैं कई लोग उसको डिसिप्लिन से करते हैं तो आपके दिमाग में कल्चर की डेफिनेशन क्या है और आपने किस तरह का कल्चर बनाया और आज जो आपने ये कंपनी खड़ी करी तो आज उसका कल्चर इवॉल्व हुआ है चेंज हुआ है कैसे उसमें वो प्रिंसिपल्स छोड़ के आप आए हैं वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यूर मेकिंग बिकॉज जब हमारी कंपनी छोटी थी तो क्रिएटिंग अ कल्चर भारी ईजी होता था क्योंकि यू you नॉ know on हाँ, लोगों को ये सही गलत है ऐसा आ, होगा ऐसा बस, नहीं होगा सो वो उस तरह तो से वो कल्चर सेट होता गया हाँ। अब जब कंपनी पांच से एक हजार लोग बने फिर एक हजार से तीन हजार तीन हजार से 10000 हजार yes. तो उसको कल्चर को मैंटेन करना बहुत मुश्किल होता और उसके लिए आपको कुछ स्ट्रेटजीज ढूंढनी पड़ती हैं और कुछ इस तरह के इवेल्युएशन क्राइटेरिया बनाना पड़ता है बेस्ड ऑन विच दैट कल्चर सॉर्ट ऑफ स्टेज इट नेवर इज स्टैटिक कल्चर इज नॉट स्टैटिक थोड़ा बहुत तो चेंज आएगा ही आएगा. आएगा समय के साथ समय के साथ लोगों के साथ हाँ लोगों के साथ तो और लोगों की एस्पिरेशन के साथ यंगस्टर्स हैव ए डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग करेक्ट ओल्डर पीपल है डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग

पी एन एल बैलेंस शीट मैनेज करिए तो एक तो हमने उनको बिजनेस सिखाया और दूसरा हमने उनको एक इस तरह का कल्चर शुरू किया जिसमें वो प्रॉफिट की तरफ देखते थे hmm. कि भाई प्रॉफिटेबल होना चाहिए हमें hmm. और उसके बाद हमने क्या किया कि विद इन ईच जोग्राफी ओके वी क्रिएटेड बिजनेस एंटिटी मैनेजर्स Okay, each of them were called business entity managers. Okay, they were not called regional managers, which are typical uh, organization does. तो हमने उनको ये सिखाया कि आप अपने बॉम्बे में आपको प्रॉफिट बनाना है। बॉम्बे का रेवेन्यू बॉम्बे का बिजनेस हाँ आप पे डिपेंड करता है आपके ऊपर डिपेंड करता है और आप अपना पीएनएल प्रेजेंट करिए। करेक्ट। तो उससे क्या हुआ कि जो ऑर्गेनाइजेशन थी

लोग उसमें इन्वॉल्व हुए और उस तरह से वो एक सी हमारा जो बिजनेस था ना वो बड़ा टफ बिजनेस था हार्डवेयर बिजनेस हार्डवेयर बिजनेस में हम कंपीट करते थे दुनिया भर के लोग कंपनी से करेक्ट डेल है एचपी है सब साथ आते बट हमारा जो मार्जिन होता है उस प्रोडक्ट में बहुत कम था क्योंकि हमारे पास हम वी डोंट मेक दो सारे बाहर से आते तो हमारा मार्जिन बड़ा लिमिटेड होता है

जो हमारा कल्चर ऐसा था कि हम लोग मीडियम में रहते थे बीच में hmm. ऐसा नहीं कि सबसे लोएस्ट है hmm. बीच में रहते थे एचपी hmm. यहां बैठा हम बीच में बैठे मार्जिन okay. okay. हमारी कम थी बट uh. हमने उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट लगा दी कि एवरीबडी वॉज ऑन फिक्स एंड वेरिएबल सैलरी एवरी ह्यूमन बींग इन एवरी ह्यूमन बींगीबडी नॉट जस्ट सेल्स ओके अकाउंट्स गाइज एवरीबडी

70, 60, 30. 40 किया आ, तो उससे क्या हुआ कि लोगों को uh, बहुत uh, 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 दिमाग में आया कि भाई हमें तो अचीव करना ही है हुँ. अगर हम नहीं अचीव करेंगे तो हम अपना ई एम आई कैसे पे करेंगे तो ऐसे स्टेप लेने से आजकल ऑन्टरप्रन घबराते हैं

ये लोग समझते ही नहीं है hmm. कि सो so इस तरह से हमने ये कल्चर जो है प्रॉफिट का कल्चर वेरिएबल का कल्चर अकाउंट का कल्चर अकाउंटेबिलिटी का कल्चर उस तरह से हमने बनाया आई विल टेल यू आई लेफ्ट इन एच सी एल इन ट्वेंटी ट्वेल्व फ्रॉम सिक्स इन बिफोर दैट एवरी ईयर वी वर द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉय से नॉट पेंगलरी

कि किस तरह से इंडियन ब्रांड को आगे ले जाना हाउ डू फाइट विद एन इंडियन ब्रांड अगेंस्ट ब्रांड तो हमने एक कैंपेन mm. शुरू किया बड़ा इंटरेस्टिंग mm. कैंपेन था mm. उसको हम लोग बोलते थे mm. तो माइंड mm. mm. uh, uh, तो इंडिया तो हम सबको बताते थे कंपनी में कि भाई इंडियन माइंड इज द बेस्ट इन द दर्ल्ड बिकॉज यू गो एंड सी एनी इन द वर्ल्ड वेदर इट इज स्पेलिंग बी और वट एवर इंडियन

जस्ट लाइक क्रिकेट वी सेट पहले तो इसको इंटरनली सेल करना है सो वी सेट विद इन द स्टेडियम विच वॉज यू नो दो सौरभ गांगुलटेडल हमने कहा हम हडल करेंगे सबसे पहले तो hmm. so, उस हडल में हम लोगों ने इंटरनल राइट बहुत लाए hmm. हमने कहा बोला हम लोग तो इतने आ, अच्छा माइंड है हमारा हम कुछ भी बना सकते हैं सो hmm. so, उस बेसिस पे हमने वो शुरू किया देन वी सेट लेट्स टेक इट टू द स्टेडियम विच इज कस्टमर्स तो हम करीब 20-25 सिटीज में जाके वी चोज पीपल ब्रिलियंट माइंड्स एंड वी गॉट देम टू कम एंड टॉक इन फ्रंट ऑफ आर कस्टमर्स इंडियन माइंड इज एंड फिनिशिंग दिस थिंग इन बॉम्बे स्टैंडिंग आउटसाइड एंड करीब सौ दो सौ लोग आए हुए थे उस मीटिंग में सो कस्टमर्स जैसे बाहर जा रहे थे कहते कितना बढ़िया आइडिया है Hmm. देखो इन्होंने इतना सॉफ्ट सेल किया है hmm. इन्होंने बोला इंडियन माइंड इतना अच्छा है तो इसका मतलब इनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा होगा वो आपने एक <laughs> सटल वे सटल, से सटल एकदम सटल वे से किया भाई इंडियन माइंड अच्छा है उसको तो कोई चैलेंज ग्लोबली नहीं, नहीं कर सकता नहीं कर सकता सो अगर इंडियन माइंड इतना अच्छा तो इंडियन प्रोडक्ट भी अच्छा होगा हाँ। तो उस तरह से हम करते थे। और जो लिसनर्स हैं उनके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है कई बार हम लोग घबरा जाते हैं हाँ। परेशान हो जाते हैं कंपटीशन की स्ट्रेंथ को देख के जैसे ग्लोबल थे आपके सामने गरेक, 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 गरेक। और हम ये भूल जाते हैं कि भाई हमें अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करके उसको हाईलाइट और हीरो बना के यस yes. हम उनको बीट कर सकते हैं सो देन व्हाट वी डिड वाज दैट हम लोग ने डिसाइड किया कि भाई हमारे तीन या चार कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं hmm. आ, पीसी में hmm. पीसी बनाते थे हम इंटेल बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए माइक्रोसॉफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट हुई माइक्रोसॉफ्टी सो हमने बोला कि देखो हम इंटेल और माइक्रोसॉफ्ट दोनों से

अपनी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव कर इंप्रूव कर सकते फिर एक टाइम आया जब बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो वो ये कि एक कंपनी थी इंडिया में पीसीएल करके आपको याद कंप्यूटर कंप्यूटर नहीं 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 पीसीएल PC... परटेक अच्छा परटेक कंप्यूटर वो हार्डवेयर बनाते थे ओके तो बड़ी स्मार्ट कंपनी थी ओके तो उन्होंने क्या किया कि ओवरनाइट उन्होंने एक पीसी अनाउंस कर दिया जिसकी प्राइस हमसे करीब चार हजार रुपए कम थी उसको बड़े बड़े फुल पेज एड्स आए उन्होंने खूब बुकिंग्स करी और हमारा बिजनेस नीचे जाने लगा राइट right. तो हमने सोचा क्या किया जाए इसके लिए hmm. इसको तो कुछ करना पड़ेगा hmm. सो तब हमारा सोरा माइंड सेट चेंज हो गया कि अभी तक तो हम ग्लोबल ब्रांड से कम्पीट कर रहे थे अब इंडियन ब्रांड हमको मार रहा है करके okay. तो क्या करें तो हमने डिसाइड किया कि ठीक है अच्छा फिर देन वी डिस्कवर्ड कि उनकी क्या Uh, uh, strategy. Hmm. We figured out their strategy. The hmm. strategy was that they were booking a lot of orders, hmm. taking hundred percent advance for the PC, hmm. but they were not delivering anything. Okay. And they were delaying the delivery by two to three months. Right. By delaying the delivery for two to three months, they were doing. They were creating phenomenal cash flow. Yes, and they were using that cash flow. Uh, for advertising. Advertising. And we also found out that they're using that cash flow to start a software company. Ah. तो हमने कहा अब ये कैश फ्लो के ऊपर हमें अटैक करना पड़ेगा सो hmm. so, सबसे पहले हमने ये किया कि आई गेव अ चैलेंज हम लोग ने एक टीम बनाई और ऑल ऑफ़ अस सेट टुगेदर एंड वी सेट के भाई इस प्रोडक्ट की प्राइसिंग को हमको बीट करना है hmm. तो वो डिसीजन हमने ले लिया कि हम इस प्राइसिंग में को बीट करेंगे ठीक है सो वी आफ्टर दैट लॉट ऑफ ग्राउंड टू कवर बट इट विलॉज टाइम वॉज वेरी इंपॉर्टेंट अवे बिजनेस तो हमने लॉन्च तो कर दिया उस प्राइस पे और हमने एक बड़ी स्ट्रेटेजी बनाई कि जितना जब हम लॉन्च करेंगे ना hmm. तो हम सारे के सारे जो पार्ट्स हैं कॉम्पोनेंट लेके आके प्रोडक्ट तैयार करके रखेंगे और फील्ड में डाल देंगे डीलर्स के पास डाल देंगे ताकि डिले ना हो डिले नहीं हो तो हमने जाके हाथ प्रोडक्ट हाँ तो हमने बोला कि भाई वो तो तीन तीन महीने आपको वेट करा रहे हम आपको एक्सटॉक डिलीवरी दे रहे okay. सेम प्राइस लेस प्राइस एवरी एवरीबॉडी स्टार्टेड कमिंग टू अस करेक्ट देयर बिजनेस कोलैप्स्ड कोलैप्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड इन द मीन टाइम आई टोल्ड माय यू नो

अगर आप एग्री नहीं करोगे तो मैं तो आपके साथ रहूंगा नहीं सो आफ्टर दीटिंग थ्रेटर कर दिया hmm. मैंने यहाँ थ्रेटन नहीं किया मैंने hmm. मैंने उनको एक ऑफर दिया है hmm. हमने अपना प्रॉब्लम बता दिया हम आप हमारे पार्टनर हैं हमारा प्रॉब्लम सोल्व करिए तो देख की हम नहीं कर सकते सो hmm. so, दे सेट,

ट फास्ट नो नीड टू वेट फॉर एवरी डैम डिसीजन टू बी टेकन करू नीड टू लुक एट दो आईल्ड टाइम एंड टाइमिंग टाइम टू मार्केट एंड टाइमिंग इज वेन इट शुड बी मार्केटेड सो लेटेस्ट इट है वो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बट वो पता होना कि दिवाली हाँ, है आपके बिजनेस हाँ, में हाँ, हाँ, important. बहुत important. तो, तो मैं सब आ, जो फाउंडर्स हैं स्टार्टअप्स हैं उनको ये टाइम और और टाइमिंग के बारे में बहुत सिखाता हूं. और एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं जरूर सिखाता हूं वो ये कि मस्ट उसके बिना आप सक्सीड नहीं करोगे गो टू स्कूल Learn marketing. Learn selling, hmm. and you should, you should you'll be, you'll be successful. तो लोग इस कमी को पूरा करते हैं एक, ah. एक तो यही एडवाइस करता हूँ यू डोंट अ को फाउंडर हु सुपर इन सेलिंग राइट ही माइट नॉट बी द सीईओ, बट ही सुपर इन सेलिंग। इन वन पर्टिकुलर स्टार्टअप वी मैनेज टू कन्विंस द फाउंडर्स Okay. भाई आप लोग के बस की बात नहीं आई है hmm. हम एक अच्छा बंदा लाते हैं विल बी द ग्रेट सेल्समैन एंड वील बी फाउंडर विद यू बट मेक यूर कंपनील सो chapter on salesmanship

तो आपको कभी ऐसा चैलेंज महसूस हुआ कि भाई मेरी थिंकिंग मेरे पार्टनर की थिंकिंग से नहीं मिल रही या मेरे ये जो पार्टनर्स हैं ये मेरे को एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो आप लोगों का जब ये जर्नी चली तो वहां पे डेड इट बिकेम अ रोड ब्लॉक और इट बिकेम अ स्ट्रेंथ कि no, no. हम लोग अलग सोचते हैं इनिशियली आई वुक अ वेरी क्लियर डिसीजन राइट फ्रंट ओके जैसे एक क्लास में शुरू होते निकलता तो एक ही टॉपर है तो भाई शिव नारॉज द लीडर इन डी सी एम हील ओके सिंपल डिसीजन इसमें कोई अच्छा भाई हम लोग आपस में बात कर रहे हैं डिस्कशन बट फाइनल सो इस तरह से यू नो यू यू एक्चुअली सक्सीड

आज की डेट में इंडिया में ऑनटरप्रनर घबराते हैं नई कंट्री नया कल्चर नई लैंग्वेज नए लॉज मार्केट एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी इंडियन ब्रांड और कंपनी की रेपूटेशन पोजिशनिंग कैसे हम ये करेंगे वहाँ के टैलेंट को कैसे हायर करेंगे उसमें वो कल्चर कैसे लेके आएंगे या दोनों कंट्रीज़ में अलग कल्चर से सेम कंपनी कैसे चलाएंगे तो आप लोगों को यह कब लगा कि अब भाई इंडिया तो हमने कैप्चर कर लिया है अब बाहर जाने की जरूरत है या उस बाहर जाने से इंडिया को भी हेल्प मिलेगी और बाहर बिजनेस भी बनेगा तो ये डिसीजन तो कब लिया? वेरी तो गो अच्छा. We मतलब हाँ। में आप लोग प्लान हाँ। कर लिए? सिंगापुर ऑफिस अच्छा एंड टाइम सिंगापुर गवर्नमेंट was giving phenomenal incentives for people to set up manufacturing there right and electronics was a favorite subject right and computers was all, more a favorite subject mm. so they we met them and they said look why don't you come and start a manufacturing company here manufacture computers mm. in, in singapore so we took our computers which were designed here mm. and we took them to singapore to manufacture and market mm. so very early days we learned the whole benefit of going global because what we created initially, mm. we used to for some time we even called it Windows to the world. Windows to the world. So Singapore became our window mm. to learn the global market. Mm. And I have a chapter on this in my book, which is called Windows to the World. Okay. And the window was based on one fact that you were competing with everybody there. You were working in a different culture. Mm. You you, you were working in an environment which was not comfortable to you, hmm. but you had to but had succeed. Hmm. So when we we went there, uh, we didn't have enough money. Again, चार साल की कंपनी थी हमारी आरबीआई तो, uh, पैसा ले जाने नहीं देता था Haan. और उन दिनों का तो वो चक्कर आठ डॉलर मिलते थे आपको करेक्ट सो so, To go and set up a company in Singapore to manufacture computers yeah. was a huge task. Mm. But we decided to do it because we felt that based we did some market research there first. Mm. And we figured out ke, Yahan par ek badi uh, there's a huge opportunity. Mm. And that opportunity was that everybody was selling boxes in Singapore. Boxes? Yeah, product based As a product based. Ah, computer lelo.

In those times. In those days. And we set up a software factory in Madras. Hmm. So we would do system system analysis in Singapore. We will send that back to uh, say, uh China. China. Yeah. and it would software would be written there and we, they would send it back to us. Okay. Floppy disk. Floppy disk. खराब हो जाती थी क्योंकि वो डाल देते थे जी? तो ये सब चक्कर हमने देखा था बट वी बिकॉज़ वी वी हैड हैड सक्सीडेडी सो वेन बी एक्सट्रीमली सक्सेसफुल इन सिंगापुर वी रेप्लीकेटेड इन इंडिया एंड वी स्टार्टेड गिविंग पीपल फुल इंडिया ऑल्सो एंड वॉज ह्यूजली सक्सेसफुल

तो इस तरह के हमने मिथ्स रिमूव किए। कंप्यूटर कंप्यूटर इज वेरी डिफिकल्ट कंप्यूटर इज वेरी एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव। इट वाज़ वेरी बट वी 18 टाइम्स काराइड होल्ड सो हमने उस तरह से शुरू किया देन वी वेंट टू आई डीबीआई और उनके साथ हमने एक एग्रीमेंट किया Why can't we get IDBI loans for our manufacturing customers yeah. and give them a model of paying every month? Mm. So the first EMI, EMI in India was created by ATSI. There was nothing called EMI then. But globally. Globally We are pioneers. Mm. That's how we started. So we said instead of spending so much, this is what you pay per month. So that's how you open the market, you know. आई थिंक यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बोला कि मिथ्स को बस्ट करना है oh. लेकिन मिथ्स बस्ट करने से पहले मिथ्स पता ah, तो हो। रिसर्च करनी चाहिए तो उसमें आजकल हम देखते हैं कि एक टाइम के बाद जब एक आजकल कंपनियाँ सेटअप हो रही हैं और मैं बार बार इस चीज़ को रेफर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारा जो आ, मिशन है या थीम है वो ये है कि जो लेगेसी कंपनीज हैं उन्होंने क्या चीजें ठीक करी जिसकी वजह से वो लेगेसी क्रिएट कर पाए और अगर आज जो कंपनियां आज भाई ऐसे मेच्योर मेच्योर्ड ब्रेन आजकल के बच्चे जेन जी और सारे रिसोर्सेज हैं तो वो और बड़ी लेगेसीज कर सकते हैं लेकिन जो गैप्स हैं उनको फिल कर ले करेक्ट करेक्ट तो आजकल जो लोग आ रहे हैं वो एक स्टेज के बाद बैकफुट पे चले जाते हैं कस्टमर से कनेक्ट छोड़ देते हैं hmm. तो भाई वो मेरी टीम मेरी स्केल मेरा यू नो ये मैनेजर वो मैनेजर समझेगा तो जो कस्टमर की पल्स है जिसको सुन के आप चेंजेस hmm. कर रहे थे hmm. या स्कीम्स इनोवेट कर रहे थे और बोल्ड hmm. स्टेप्स ले रहे थे फुल फुल पेज की इवन इन कस्टमर चाहता क्या है, इसकी है इसका पेन पॉइंट क्या Correct. है. Correct. तो आज के इकोसिस्टम में आपको ऐसा नजर आ रहा है कोई ऐसा पेन पॉइंट नजर आ रहा है जिसमें कि ऑन्टरप्रनोर जो है वो

Mm. So what you had done as market research two years ago is no longer valid. It's no longer valid. You need to see what are his expectations today. Correct. And that is where your employees have to play a huge role. Mm. They need to be taught that they when they may meet the customer, keep asking. Okay, mm. hey, are we meeting your requirements or not? Mm. And do things like like for example, very strongly we used to do customer satisfaction surveys. Correct. और हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्विस के ऊपर बहुत डिपेंड करते थे एंड वॉट वी क्रिएटेड अ मॉडल यूनिक इन द इंडस्ट्री वी वुड डू वी वुड डू दिस सर्वे रेगुलरली बट एवरी मंथ वन ऑफ आर सर्विस गाइज हेड वील गो एंड मीट द कस्टमर एंड से बॉस आपका कंप्यूटर जो था आप hmm. पहले सोचते थे कि ये बहुत डाउन हो जाता है बार बार खराब हो जाता है yeah. आपका आप देखिए लास्ट मंथ से सिक्साइमेंट है, hmm. आपका 98 है। okay, अरे यार ये एचसेल का कंप्यूटर ठीक नहीं चल रहा है डीसीएम का बेटर है या इसका बेटर है हम लोग ने उसको काट दिया बिल्कुल तो, hmm. हर महीने जाके हम उनको रिपोर्ट देते थे तो उससे क्या होता था कस्टमर्स वेरी डेफिनेटली वेरी वेरी पॉजिटिव बिकॉज दे न्यू दैट वी आर परफॉर्मिंग एंड दिस इज वेरी क्रिटिकल इन इन अभी टू बी बिजनेस स्पेशली क्योंकि कस्टमर रिटेन रहते हैं फिर, हाँ, छोड़ के नहीं जाते जाते और hmm. ऐसा है कि वेन यू आर डीलिंग वेन यू आर इन इन अ वेरी कंपिटेटिव मार्केट एंड यू आर यू नो कॉम्पिटिशन इज ग्लोबल यू कैनॉट अफोर्ड टू इन एनी मैनर लूजन अप ऑन दिस इशू करेक्ट बिकॉज दे विल कैच यू Hmm. and it's very important for you to stay ahead. Hmm. so i have always mandate this statement to uh, all salespeople. in an account, in a customer, hmm. you should lead, not follow. you should lead, not follow. तो आप अगर lead करोगे तो आपको business मिलेगा. अगर आप follow करोगे और जो भी आपके competitor आके कुछ भी बोल जाता है, चला जाता है, फिर देना you respond उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा. you should be planting the points. Hmm. for

बहुत ही जल्द सॉफ्टवेयर की तरफ मूव hmm. कर गए hmm. और दैट बिकेम अ पावर इंजन वेल यू सी व्हाट वाज दैट अराउंड व्हेन वॉट वाज एंड जनता पार्टी जनता पार्टी मंडल टाइम पे मंडल टाइम उसके बाद तो उन्होंने जाके हमारी uh, ट्रेजरी को तो खत्म कर दिया था Achha. हमारे पास तो कंट्री में इंपोर्ट करने के लिए पैसे ही नहीं थे अच्छा वी अ हार्डवेयर कंपनी कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट्स करेक्ट सो वी देन रियलाइज के एकदम इंपोर्ट बेस पे नहीं रहना चाहिए hmm. हमको एक्सपोर्ट में भी जाना चाहिए जॉइंट वेंचर विध यू लेट पैकेड अच्छा एंड वी कि चलो ज्वाइंट वेंचर के चक्कर में हमको इन्वेस्टमेंट आ जाएगी एंड क्रिएट बट एज वी वर एज वी स्टार्टेड वर्किंग विद यू लुट दे दे से भैया आप अपना प्रोडक्ट इतने सारे डिजाइन कर रहे हो आपकी इतनी बड़ी भारी आर एंड डी है hmm. इसकी हमें जरूरत ही नहीं है hmm. हम तो आपको पूरा प्रोडक्ट दे रहे हैं hmm. तो आप आर क्यों चला रहे हो hmm. तो हमने बोला देखो भाई हम पीसी की आर तो जरूर चलाएंगे बाकी हम बंद कर सकते हैं hmm. अगर आप चाहते हो तो बाकी मतलब पीसी मतलब मिनी कंप्यूटर्स थे इसको तो आप बंद करो तो जब उन्होंने बोला बंद करो तो हमको एक अपॉर्चुनिटी दिखी हमने कहा ठीक है हम इसको बंद करते हैं बट इसको पूरा का पूरा बिजनेस हम निकाल लेते हैं यहाँ तो हमने हमको एक अपॉर्चुनिटी दिखी क्योंकि हमने जब हम जब अमेरिका गए थे हमने एक सेटअप किया था वहाँ पर तो हमको पता चला कि वहाँ के जो आर डी थे उसमें जो जिस तरह के आर इंजीनियर्स डी और पीप लोग चाहिए थे उनकी कमी थी वहाँ पर सो so, हमने जाके कुछ अपने बंदे लगा दिए वहाँ के भाई आप जाके उनके आर एन डी में काम करो

फर्स्ट ओके इन दंट्री सो हमने इंजीनियरिंग आर एन डी की कंपनी बना दी उसका नाम हमने एच सी एल टेक्नोलॉजी रख दिया क्योंकि हम तो टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कर रहे थे हमारी सॉफ्टवेयर बिजनेस शुरू हुई और उसको हम लोग वी वेंट फॉर अ लिस्टिंग ऑफ दैट कंपनी इन यू थाउजेंड ओके बट वेन वी आर गोइंग फॉर अ लिस्टिंग फॉर दैट कंपनी स्टिल नॉट बिग इन सो वी क्रिएटेड न्यूअर स्ट्रेटेजीज टू एक्चुअली ग्रो द सॉफ्टवेयर बिजनेस सो वी सोड वी सेट दैट ओनली वेन वी हैव इनफ मनी वील बी एबल टू ग्रो द सॉफ्टवेयर बिजनेस सो गोइंग फॉर अ लिस्टिंग वॉज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज देन वील गेट द मनी टू इन्वेस्ट इन एम एंड ए कि हम कुछ कंपनी को खरीदेंगे दो चार कंपनी को खरीदेंगे दस कंपनी को खरीदेंगे वो हमारी स्ट्रैटेजी बनी और उसके बेसिस पे हमने सॉफ्टवेयर बिजनेस को ग्रो किया और वी स्टार्टेड टू वर्क ऑन सॉफ्टवेयर बिजनेस इन बिगर वे बिकॉज हमारे इम्पोर्ट नहीं आ रहे थे hmm. तो हमने ये सिचुएशन अब नहीं आनी सो सॉफ्टवेयर वहां से शुरू हुआ और लिस्टिंग के बाद बड़ा बेनिफिट हमें यह मिला hmm. कि हमारे पास काफी फंड आ गए उसको हम लेवरेज कर सकते थे करेक्ट ठीक है सो बाय बोरोइंग एंड लेवरेजिंग दिस दिस मनी we could buy companies. So we bought, I think, 14, 13, 12, 13 software companies. Mm, after and that. I still remember that uh, mm, we bought a very large $800 million, £800 million pound company in UK. Okay. Which really changed our, uh, you know, Which company was it? It was a SAP services company. Okay. It was the largest in Europe. Okay. So we bought that company mm. and that, वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग बाइंग ओके द बाइंग वॉज दैट दिस कंपनी टू कंपनी फॉर दिस बाइंग दिस कंपनी इन्फोसिस एंड एक्सी तो बाय द टाइम हम लोग हमारा बिट जा चुका था इंफोसिस का बिट जा चला गया इन्फोसिस का बिट एक्सेप्ट हो गया ओके सो दिस कंपनी वॉज नो लॉन्गर बिकॉज एंड आई रिमेंबर वी वर सिटिंग इन बीजिंग ओलिपिक्स एंड this whole thing was going on so there was 2008 yeah, mm. yeah. and then shiv Nader said ajay let me do something different mm. so he wouldn't tell me what he was doing because he was running the software business i was running the hardware business mm. so he says, let me think about it what i should do he decided to he decided to outbid infosys okay Yeah. he

I mean, we didn't know what, what a satellite business was. We had mm -hmm. no idea. Yeah. So uh, one of our uh, very senior, uh, smart guys, Vineet Nair yeah. came to, uh, uh, he was wanting to leave. Uh -huh. So I was in Bombay then. I uh -huh. said, Vineet, uh, you have done so well in the company. And you know, in our company, there should be a cadre called senior management trainees. And these guys were the pick of the

सो so, उसने बोला सबको के देखो हमारे पास केपिलिटी नहीं है पर वी शुड गो एंड बिड फॉर दिस एंड वी शुड बी दैटेलाइट सप्लायर टू सैटेलाइट सप्लायर टू कनेक्टिविटी सप्लायर टू नेशनल स्टॉक एक्स सो ऑल द केपेबिलिटी ऑफ हार्डवेयर नेटवर्किंग एटसेट्रा सिटिंग इन माई कंपनी सो ही के अजय All this capability sits here. Can you give me a team that I can put together right. to uh, g create the bid? Correct. So lots of our people, you know, created the bid, hmm. and uh, then uh, he went and signed up with a uh, Israeli company for technology. Okay, and uh, uh, and that the biggest challenge those days was that the particular bandwidth that was the the the, the particular uh, frequency that was required hmm. was not available hmm. so he got the uh, uh, israeli company to change it for india in their hardware oh. and that's how we got the deal because we actually could meet all the requirements of the government right and right. Uh, those days you know uh, satellite was not an open market uh. so government was very particular that इसी बैंड में हम आपको देंगे करेक्ट 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 तो हमने वो कर लिया एंड वी हैड अगेन वी वी बीड इन टू इट नॉट डूइंग द बिजनेस एंड यू लर्न इट एंड वी एंड वी गॉट द डील एंड वी लर्न द बिजनेस राइट एंड सो यू नो दीज आर द काइंड ऑफ रिस्क दैट कंपनी हैज ऑलवेज टेकन दैट्स व्हाई वी बीन वेरी सक्सेसफुल दैट यू टेंड टू बी वेरी बोल्ड दो तीन जगह बात की और कॉम्पिटिशन को लेकर हमारे यहाँ एजुकेशन में क्या कहते हैं कि एक टीचर अच्छा टीचर बनता है अच्छे बच्चे से ah. क्योंकि वो उसको तंग करता question है, पूछता है, पूछता है नहीं दे सकता हाँ, उसकी जान के पीछे पड़ जाता ah. है की मेरा जब तक जवाब नहीं मिलेगा और अगर आपने गलत पढ़ा है तो मैं आपको वहीं पकड़ लूंगा करेक्ट 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 तो सिमिलरली कहीं एक ये भी रहता है कि भी अगर आप एक अच्छी कंपनी बन रहे हैं तो वो आप अपने कंपेरेटिव इकोसिस्टम का भी उसमें हाथ रहता है कि वो आपको पुश कर रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल कि भाई हम आपसे आगे निकल जाएंगे या, या, या। तो आपका कंपटीशन को लेके क्या व्यू है मतलब हाउ इम्पोर्टेंट नॉट इम्पोर्टेंट रोल इट प्लेड इन द सक्सेस ऑफ एट सी यू आर सो राइट विदाउट कॉम्पिटिशन यू कैनोट ग्रो मार्केट ग्रोज कॉम्पिटिशन करेक्ट पाई बड़ा होता है कंप्यूटर ले लो कंप्यूटर ले लो दस लोग बोल रहे दो लोग थे पांच थे फिर दस हैं फिर पंद्रह है कस्टमर के तुम कंप्यूटर ले लो उससे क्या फायदा होता है कि मार्केट बढ़ती जाती है मार्केट एजुकेट भी होती है एजुकेट भी होती है सो उसके बहुत फायदा होता है तो वेन बी कंप्लीटेड आई थिंक ट्वेंटी फाइव इज ऑफ एच सी एल ओके आई क्रिएटेड अ थीम

डिफरेंट म्यूजिशियमो hmm. hmm. you know, बोलते हैं और हमने बोला कॉम्पिटिशन इज वॉट क्रिएटेड इट्स एंड रियली वॉट इट इज ट्रू तो लोग जो कॉम्पिटिशन से आजकल घबरा जाते हैं और प्राइस uh, you know, uh, गिराने लगते हैं और सौ तरह की uh, एक अननेचुरल ग्रोथ की तरफ या अननेचुरल स्ट्रेटजीज की तरफ चले जाते हैं hmm. तो दे शुड ट्रीट कंपटीशन एज अ ब्लेसिंग एंड लर्न फ्रॉम देम यीज देयर कैपेबिलिटी एंड पुश देयर एंड हमें आगे बढ़ना है हमें अपने आप को दूसरे से आगे hmm. बढ़ना है तो इनफैक्ट मैं अभी uh, आपके आनेस वाले ये डिस्कशन कर रहा था कि uh, आज की जो जनरेशन है जनरेशन जी तो उनके दिमाग में ये फियर बैठा है कि अगर मैं नहीं करूंगा तो कोई और कर जाएगा हाँ। तो वो उस डर में वो करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं और एक रेस में घूम रहे हैं तो मेरे से पूछा कि भाई इस रेस से कैसे बाहर निकले मैंने कहा ऑर्बिट ही चेंज कर लो बस बिल्कुल बिल्कुल, आ, बिल्कुल। उनको उसको घूमने दो घूमने दो वही आपने अपना ऑर्बिट चेंज कर लिया तो आप ऊपर पहुंच गए ऊपर चले जाओ आपने अपना ऑर्बिट जैसे पुराने जमाने में क्या होता था भाई लोग मैं भी हाथ से लड़ रहा हूँ आप भी हाथ से लड़ रहे हो hmm. गेम कब चेंज हुई जब आपके पास तलवार आ गई बिल्कुल बिल्कुल अब आपके पास, पास तलवार है तो तलवार आई तो मैं बंदूक पे चला गया yeah. yeah, 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 yeah. Yeah. Malala, आज न्यूक्लियर वेपन uh, और केमिकल वेपन मतलब गेम्स चेंज होती जा रही that's है कंपटीशन right, right, right. में इज देयर एनी वन विच यू नो एच और यू

वी हैव सच अ लार्ज रीच इन दंट्री दंड्रेड तो हम लोग आराम से एक साल के पहले ही बेच लेंगे सो ऑल दैट वी वी क्रिएटेड विद एच पी एच पी वॉज गुड एट सर्टन एरियाज दे आर फैंटेस्टिक ऑन क्वालिटी क्वालिटी दे आर फैंटेस्टिक ऑन इंजीनियरिंग दे आर फैंटेस्टिक ऑन सर्विस डिलीवरी सो

अच्छा इफ एच सी से पूछेंगे तो दस लाइन में डिस्क्राइब करके कितना फैंटास्टिक है ये फिश दैट वॉज द डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफ एच सी एल एंड एचपीएल सो वॉट वी डिड वॉज दैट वी वेन वी स्टार्टेड आउट वी आज दम टू सेंड सम टॉप पीपल फ्रॉम क्वालिटी फ्रॉम इंजीनियरिंग फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एंड वी लर्न फ्रॉम देम एंड देन वी डेड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग वन डे वी डिसाइडेड दैट हमारी कंपनी में पैशन बहुत है बट mm. प्रोसेस की कमी है प्रोसेस की कमी है और जब तक प्रोसेस नहीं होता तो क्वालिटी नहीं आतीबल क्वालिटी नहीं आती सो वन डे वी सी आई आई की डेलीगेशन जारी थी टू विजिट ऑल द टॉप मेलकम बॉलब्रिज विनर्स दे आर द टॉप पीपल इन द वर्ल्ड वन दिस Recognition for best quality, mm. like Corning and all these companies. Correct, correct. So, what we did was that six seven of us founders mm. got onto the plane and we went for this one week trip with CII. Okay. And we used to visit one Malcolm Bodridge Award winner every day. Mm. It was a very tough job because every day you were in a different city. But Every morning we would go to the location. Every night we will come and sit down. All of us will sit down and say, "What was the learning from today?" Mm. And we documented it. And at the end of that seven-day period, six-day period, we really had learned a lot. Mm. And then we created a model in the company by which we taught everybody quality, mm. and we brought it, brought in Crosby methodology to teach quality in the country, in the company.

उससे हम एक ग्लोबल कंपनी बनाएंगे उस पैशन से हम ग्रो करेंगे बट प्रोसेस के बेस पे हम ग्रो कर लेंगे hmm. तो क्वालिटी ऑफ प्रोसेस जो है वो बहुत क्रिटिकल है सो इफ व्हेन वी वेंट इनटू सॉफ्टवेयर वी हैड टू टेक सर्टिफिकेशन फॉर एवरी पीस दैट वी वर डूइंग सो एस सी आई लेवल फोर एस सी आई लेवल फाइव अनलेस यू है योर कस्टमर नॉट विलिंग टू बाय फ्रॉम यू चौबीस so, hmm. तो घंटे you know, भी कम पढ़ते होंगे बिल्कुल कम पढ़ते थे <laughs> मैंने कभी गोल्फ नहीं सीखा टाइम ही नहीं था मेरे सारे दोस्त बोलते थे तेरे को गोल्फ नहीं आता बड़ा इडियट है क्या करू मेरे पास कभी टाइम ही नहीं था, नहीं था। <laughs> तो आ, आपकी If uh, family side, where the you know your you know your spouse, your children, your close family members, So did they miss you not being there? Of course they did. Of so they did. how how would you balance and or are you balancing it now? You see, hmm. one of the things that I definitely did was that over the weekends hmm. I used to spend a lot of time with the family. Okay. So both my boys, I would put them in a car and we would go to a bookshop.

Hmm. But definitely holidays we would go out hmm. and, sun Sundays we would spend together and that's how one managed गो आउट एंडेज वी वुड स्पेंड टूगेदर एंड दैट्स हाउनजैट इज टू माई माइंड इरा अब लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है कि ये यू नो दिस होल बैलेंसिंग बहुत लोग पूछते हैं मेरे से इसके बारे में yeah. मैंने मैं हर सबको यही बोलता हूँ कि देखिए वर्क लाइफ बैलेंस इज वॉट इज इन योर माइंड You need to take a decision what is your work life balance? Uh, Do you want to spend 80% on work and 20% on, uh, you know, rest? that is your balance? It's your balance. Mm. There's no, no standard recipe for it. Mm. What is good for you may not be good for somebody else. Mm. But I sincerely believe that this whole thinking that, you know, uh, uh, you know,

एरिया में वर्ल्ड लीडर्स बन सकते हैं hmm. उसकी थिंकिंग हमें अभी करनी है कि अगले तीस साल में हमने क्या बनना है hmm. तो आइदर वी टेक दैट वील बी लाइक थाईलैंड और वील टू टेक अ व्यू दैट वील बी वील बी अ ब्रेकआउट नेशन लाइक कोरिया एंड देन ओनली कैन बी रियली गो एड सो यू नो दिस इट इज ऑल अबाउट एस्पिरेशन ऑफ पीपल इफ यू

क्योंकि मैं तो यही सोचता हूं कि अगर हम चार दिन काम करेंगे या पांच दिन काम करेंगे और फिर लंच के टाइम ढाई घंटे हम बैठ के कॉफी पियेंगे आप देखो इटली में जाओ सब लोग बाहर बैठे होते हैं छोटी छोटी टेबल्स पे कॉफी पी रहे होते हैं डेढ़ बजे से चार बजे तक कुछ काम नहीं करते उसके बाद जाके काम <laughs> आपको पता है यूरोप में सर्टेन फैक्ट्रीज क्लोज ड्यूरिंग यस कोई काम ही नहीं करता कोई काम ही नहीं करता मेरे को तो सबसे बड़ा सरप्राइज ये हुआ कि फैक्ट्रीज बंद हो जाती है

इनोवेशन hmm. इतना ज्यादा है hmm. और आप मैं मैं ताइवान जाता था बहुत रेगुलरली जाता था अभी भी मैं ताइवान से वापस आया हूँ आई ऑलवेज नोटिस दैट द आर आर लाइक लाइक इंडियंस इंडियंस सुबह नौ बजे ऑफिस जाते हैं रात को नौ बजे तक काम करते हैं hmm. मैंने आज तक ऐसी मीटिंग नहीं करी किसी भी जगह जो आठ नौ बजे के पहले रात को खत्म हो दे नेवर से कि मेरे को ड्रिंक करना है ये करना है वो करना है कुछ नहीं hmm. काम करना है सो एक छोटी सी कंट्री yeah. है उसमें दे बिकेम दे हैव बिकम दिक्सटी परसेंट ऑफ द वर्ल्ड डिलीवरी कंट्री है छोटी सी कंट्री है मतलब चाइना उस उसमें आंख यू नो दिस दिस इज वेरी क्रिटिकल फॉर अस अ कंट्री दैट वी नीड टू बी थिंकिंग हमें ये, आगे ये, बढ़ना ये, ये सोच आ रही है मतलब क्या आपको क्या लगता है कि इसको बदला जा सकता है ज्यादा शुरू हुई है जब से वर्क फ्रॉम होम हां कोविड टाइम से ज्यादा शुरू हुई है इससे पहले नहीं था नहीं थी उसके पहले जरूर थी लोग मेरे से आके जरूर पूछते थे तो क्या हम प्री कोविड उस पर जा सकते हैं वापस या अभी नहीं मुश्किल है हमको जाना ही चाहिए जाना पड़ेगा जाना पड़ेगा क्योंकि अगर हम इस तरह के काम करेंगे ना तो हम लोग कैसे आगे जाएंगे अब वो किसका है वो कैंपेन वन ऑफ दोज रेंटल कंपनीज हर्ट्स का है किसी का वी वर्क हार्डर बिकॉज वी आर नंबर टू

बट अगर आप देखिए दिस ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड आई स्पिरिट इन बेंगलोर दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन मेकिंग इंडिया हार्ड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट नेशन उससे क्या हुआ जो डीपीआई क्रिएट हुआ है अब इट्स अ वर्ल्ड बीटर यस करेक्ट दैट इज आप शुरू में प्रोडक्ट की बात सो हाँ, okay. so, इससे एक बड़ी लर्निंग मिलती है कि सिर्फ सर्विसेज में अगर हम रह जाएंगे एज अ कंट्री हमारे को मार्जिन नहीं कभी भी मिलेगा

करेक्ट एज अ कंट्री सो इफ वी डोंट मूव फ्रॉम सर्विसेस टू प्रोडक्ट इन एवरी थिंग दैट वी लो कैन डू वी कैनॉट बी सक्सेसफुल करेक्ट यू नो सो इट्स वेरी क्रिटिकल दैट एज अ कंट्री वी वर्क वेरी हार्ड एंड अर कंट्री वी थिंक एज अ प्रोडक्ट नेशन वी शुड क्रिएट प्रोडक्ट ऑफ आर ओल क्रिएट आई पी ऑफ आर ओल क्रिएट ब्रांड्स ऑफ आर ओल टू ये सोच एजुकेशन इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है लोगों की फैमिलीज या जिन ऑफिस में वो काम कर रहे हैं वहां की जिम्मेदारी है तो ये ये कहाँ से मतलब जिम्मेदारी ऑफ इंडिया आई एट बट गवर्नमेंट शुड बी लुकिंग एट क्रिएटिंग पॉलिसीज आर टू क्रिएट प्रोडक्ट्स प्रोग्रेसिव टूवर्ड्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अब आप देखिए मैन्युफैक्चरिंग में hmm. हर तरह के पीएलआई आ गए हैं hmm.

अब हम ऐसे काम कर रहे थे ये इवेंट हो गया जैसे आपने 91 वन की बात करी जब फॉरक्स खत्म हो गया था या। तो ऐसे कौन से टर्निंग पॉइंट और आ, क्या टर्निंग पॉइंट की मतलब क्या अहमियत है किसी भी ऑन्टन्योर की जर्नी में देखिए वन ऑफ द थिंग्स दैट आई रियलाइज क्वाइट अर्ली इन आर जर्नी इज दैट जब आपके पास एक कंपनी है hmm. उसमें मल्टीपल पोर्टफोलियोज क्रिएट करिए एक पे नहीं डिपेंड एक पे कर तो हम पहले तो सिर्फ हार्डवेयर कंपनी होते थे जी। उसके बाद हमने ऑफिस ऑटोमेशन शुरू किया जी उसके बाद हमने uh, बहुत इस तरह के तीन या चार या पांच बिजनेसेस हमने इस तरह से शुरू किए। अ प्रॉफिट सेंटर नाउ व्हेन आई वाज रनिंग दिस पोर्टफोलियो ऑफ सिक्स आई यूज टू मेक श्योर दैट देर इज अ डीप बैलेंस बिटवीन वन एंड दी अदर Hmm. तो अगर इस क्वार्टर में मेरे को पता है कि यार पीसी में पैसा नहीं बनने वाला सो आई वुड गो एंड फोकस ऑन थ्री गाइज एंड से बॉस इतना प्रॉफिट हमको और चाहिए hmm. तो उससे क्या होता है कि प्रॉफिट पूल्स आप क्रिएट करते हो अपनी कंपनी yeah. और वो प्रॉफिट पूल्स के बेसिस पे आप कंपनी को प्रॉफिटेबल बना सकते हो सो यू आर टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट्स यस आई थिंक एवरीवेयर वी थॉट प्रोडक्ट्स इंटरेस्टिंग सर इतनी सक्सेस के बाद एक आ, कई बार दिमाग में आता है सोसाइटी को वापस देना है एंड आई नो कि आपने यू you नो know, बहुत एक्टिवली आप फिल्म भी करते हैं तो वहाँ पे कई बार लोग मैंने क्या सुना है कि वेट करते हैं कि भाई एक वेल्थ इवेंट होगा तो शुरू करेंगे जब जॉब से रिटायर हो जाएंगे तो शुरू करेंगे या एक कोई माइल आएगा तो शुरू करेंगे या जिंदगी में कोई ऐसा इवेंट हो जाएगा तो शुरू करेंगे मुझे लगता है कि फिलंथरेपी या सोसाइटी जिसने आपको इतना कुछ दिया है उसको वापस देने का कोई समय नहीं होता कभी भी शुरू कर सकते हैं तो आपकी जर्नी फिलंथरेपी में कैसी रही और आज के इको में आपको लोग कैसे लगते हैं कि भाई वो क्या उनके दिल खुले हैं क्या उनके विजन्स खुले हैं देखिए इंडिया में वेरी लॉन्ग टाइम जी एंड देवर लार्ज ग्रुप्स लाइक वेरी क्लियर अबाउट फिलांत्रफी बट बड़ा लिमिटेड थे लोग फिलांथ्रफी hmm. बहुत लिमिटेड थे जब तक टेक्नोलॉजी बिजनेस शुरू हुई hmm. और ई कॉमर्स बिजनेस शुरू हुई उसके बाद उसने बहुत सारे लोग क्रिएट किए जो आज खमाते हैं और आज देना चाहते हैं hmm. पुराने जमाने में हम लोग सोचते थे जैसे आपने बोला कि भाई आज कमाते हैं साल बात देंगे। आ, देंगे। आ, वो कुछ बाद है। है। तो देंगे और मैं दोनों नज के मेंबर्स हैं। अगर आप देखिए उनके जो डोनर्स है उसमें बड़े चलता है यंग लोग हैं इतने सारे मैं तो बड़ा आउटलायर हूं वहां पर तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आया है और दूसरा Giving back is not just about mm. money. Mm. It is also giving back to the country. Correct. Right. So, for the last 20 odd years, I have dedicated my life towards promoting electronics. So, I have been in every committee of the government and I have always said India must be a big electronics country. Mm. But unfortunately, every policy that the government made in the last 30 years, 40 years was not good enough. Mm. Because there were so many disability factors of India mm. in a market which is very competitive and very margin oriented. So now last four to five years, scale has come, but still we are not at the level of making products and designing products and creating Indian brands. Mm. That's what we need to do. Mm. So I'm still at it. Mm. I have now gone to the government, given them a proposal to say, let's make India a soft hardware product uh, nation and i have given it to various departments and they have agreed to set up a task force of 10 uh, 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 industry people to write a paper on how we should make india hardware product. right so that's the way it is and then suddenly uh, two three weeks ago the government uh, sent me a letter saying that they would like to bring me into uh, you know into uh, niti ayog to contribute to the country so i'm very happy बॉडी इन सम मैनर्स वेर आई कैन इंफ्लुंस हाउ टू इन फैक्ट्री सर इतना आपका डाइवर्स और रिच एक्सपीरियंस रहा है तो मैं चाहूँगा कि जो हमारे व्यूअर्स हैं जो भारत की एक जनता है क्योंकि जो स्टॉक्स के थ्रू हम ऐसे ऐसे हिंदुस्तान के कोने में पहुँचते हैं उन बच्चों तक उन प्रोफेशनल्स तक जो कहीं जॉब कर रहे हैं छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं अपनी सोच की वजह से लिमिटेड है तो उनके लिए कोई दो शब्द आपके कि कैसे वो अपने उन छोटे एफर्ट से एक बड़ी लगेसी क्रिएट करें किस सोच के तरह वो चलें क्या उनके लिए एक मैसेज आप देना चाहेंगे हर छोटी चीज कभी ना कभी बड़ी हो जाती है जी तो यही सोचना चाहिए कि हमें हम शुरू अभी कर रहे हैं हम बड़े बनेंगे एक एस्पिरेशन होना चाहिए एंड वन थिंग which I have written in my book also, Jee. that I learned this from my teacher in in uh, Michigan University, and mm. he was Dr. C. K. Prahlad. Oh, the great the C. K. 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 Prahlad. And he used to teach, he used to say, A is greater than R. What does that mean? If you have the aspiration, mm. A stands for aspiration, R stands for resources. Mm. So, if you have the aspiration, resources will happen. वो आ जाएंगे।, आ जाएंगे तो हमारी कंपनी की यही कहानी है हमारे पास तो ना पैसे थे ना लोग थे कुछ भी नहीं था 1.86 लाख से शुरू करके नाउ वी आर सिटिंग एट अ वैल्यूएशन ऑफ 45 बिलियन डॉलर ऐसे तो ही होता ना करेक्ट रिसोर्सेज तो हमारे पास थे ही नहीं जी तो यही मैं सब लोगों को बोलना चाहूंगा कि ए इज ग्रेटर देन आर आप उसको अपना फॉर्मूला बना लीजिए लाइफ में कि आपके पास एस्पिरेशन इतनी ज्यादा होनी चाहिए जिससे रिसोर्सेस अपने आप बनेंगे बिल्कुल थैंक यू सो मच सर आज बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके जी। कुछ पुरानी यादों पे और स्टोरीज <laughs> पे भी टच कर पाए yeah. और आई एम श्योर कि आपके मैसेज भारत की जनता तक पहुँचेंगे और वो अपनी जो एक माइंड की लिमिटेशन है उसको ब्रेक करके hmm. अपनी एस्पिरेशंस को बढ़ाएंगे और कुछ ना कुछ देश के लिए करके जाएंगे बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू सो मच